आज नेताजी का श्रद्धांजलि सभा था यहाँ पे, और आप सुभाषपा पार्टी के पदाधिकारी हैं, क्या कहना चाहते हैं? मैं अपने पार्टी के तरफ से, स्वर्गदेव भारतीय समाज पार्टी के तरफ से तथा अपने तरफ से मऊ जनता के जन जन के तरफ से नेताजी को श्रद्धा का सुमन अर्पित करते हैं। नेताजी ने समता, स्वतंत्रता, बंधुत्व और भाईचारे का जो संदेश दिया, आने वाली पीढ़ी इनके गुणगान जब पढ़ेगी तो सबक लेगी और मन में धैर्य और संकल्प के साथ नेताजी के द्वारा किए गए कार्यों से सबक लेकर एक नए भारत का निर्माण होगा। नेताजी ने जो फैसला किया था, सैनिकों की पहले मरने के बाद टोपी घर जाया करती थी, लेकिन नेताजी जब भारत के रक्षा मंत्री थे तो सैनिकों के सम्मान के लिए उनकी लाश घर तक जाने के लिए यह एक नियम बना दिया और पीड़ित परिवार के लिए आर्थिक सहयोग देने की घोषणा सबसे पहले माननीय नेताजी ने किया था। तो उन तमाम सैनिकों की तरफ से, तमाम देशवासियों की तरफ से श्रद्धा का सुमन आज अर्पित किया जा रहा है। भाई देखिए, बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर ने कहा है कि मरने के बाद भी व्यक्ति अगर जिंदा रहना चाहता है तो दो काम करने पड़ेंगे। एक काम, कुछ ऐसा काम कर जाना कि जो तुम्हारे जाने के बाद लोग तुम्हें दिलों में जिंदा रखे, और दूसरा काम कुछ ऐसा लिख जाना कि तेरी लिखाई जब जब लोग पढ़ेंगे तब तक तुमको अपने हृदय में जीवित करेंगे। दोनों बातों को, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के दोनों बातों को माननी स्वर्गीय धरती पुत्र आदरणीय नेताजी ने इसको साक्षात आत्मसात किया, उनके बताए हुए रास्ते पर चला और सभी गरीब दुखी कुचले वर्ग लोगों के लिए हमेशा काम किया। तो बस मैं इतना ही कहूँगा कि बीत गई सो बीत गई, तकदीर का सिकवा कौन करे, ये तो तीर कमान से निकल गई, इस तीर का पीछा कौन करे, इस तीर का पीछा कौन करो। जय हिंद।